सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में एक लेसन कंप्लीट किया था जिसका नाम था मृदा। लास्ट में उस क्लास में लास्ट में अपन ने पढ़ा था मृदा, विभिन्न प्रकार के मृदाओं के बारे में जो पोषक तत्व और मृदा के पीएच के आधार पर बताई गई थी, 8 प्रकार की मृदा। इसी तरह राजस्थान कृषि विभाग द्वारा भी राजस्थान की मृदा को उर्वरता के आधार पर 14 भागों में बांटा गया है, जिनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस उनके नाम हमें एक बार ध्यान में रखना है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। फिर अपन एक नया अपना अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है पोषक तत्व एवं उर्वरता। ठीक है, तो देखिए तो राजस्थान कृषि विभाग द्वारा उर्वरता के आधार पर राजस्थान की मृदा को निम्न भागों में बांटा है। अब वो कौन कौन से है देखिए, निम्न भागों में बांटा है 14 प्रकार की मृदाओं के बारे में अपन नाम उनके जानेंगे। तो देखिए कौन सी है, पहली तो है रेतीली मृदा, पहली है हमारी रेतीली मृदा, दूसरी है रेतीली लेकिन चूना रहित मृदा, रेतीली है लेकिन उसमें क्या है, चूना नहीं पड़े रहित मृदा, रेतीली मृदा, रेतीली चूना रहित मृदा, फिर रेतीली धोरे युक्त मृदा, तीसरी है रेतीली धोरे युक्त मृदा जिसमें धोरे पाए जाते हैं अर्थात टीले पाए जाते हैं, फिर रेतीली जलोढ़ मृदा, चौथी है रेतीली जलोढ़ मृदा, पांचवी है अपनी सिरोजान मृदा, पांचवी है सिरोजोन मृदा, सीरो जोन मृदा, छठी है हमारी जिंक एवं चूना युक्त मृदा, जिंक जस्ता और चूना युक्त मृदा, जिंक एवं चूना युक्त मृदा, सातवी है हमारी भूरी चूना युक्त मृदा, भूरी चूना युक्त मृदा, चूना युक्त मृदा जो मृदा भूरी भी हो और चूना युक्त हो। आठवी है मृदा हमारी लवणीय व सारीय मृदा, लवणीय व सारीय मृदा, नौवीं लवणीय भी व सारीय भी मृदा। ठीक है, फिर है नई जलोढ़ मृदा, नई जलोढ़ मृदा, ठीक है, दसवीं है हमारे नई जलोढ़ मृदा के बाद अगली दसवीं है दूसर भूरी जलोढ़ मृदा, दूसर जो दूसर रंग की हो और भूरी हो थोड़ा भूरापन लिए हुए जलोढ़ मृदा, ग्यारहवीं है हमारी पीली भूरी मृदा, ग्यारहवीं है हमारी पीली भूरी मृदा, बारहवीं है हमारी लाल दोमट मृदा,
पहली है हमारी लाल दोमट मृदा, तेरहवीं है हमारी गहरी सामान्य काली मिट्टी, गहरी और सामान्यता सामान्य काली मिट्टी अर्थात तो पूरी एकदम डार्क ब्लैक नहीं काली मृदा, और चौथी और लास्ट है हमारी पथरीली मिट्टी, चौथी है हमारी पथरीली मृदा। ये 14 प्रकार की मृदा राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान में बताई गई है किसके आधार पर, उर्वरता के आधार पर, उर्वरता के आधार पर राजस्थान कृषि विभाग द्वारा बताई गई है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर अपना नया अध्याय अपना शुरू करते हैं जिसका नाम है पोषक तत्व एवं उर्वरक। देखिए क्या होता है पोषक तत्व एवं उर्वरक, हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं। पोषक तत्व एवं उर्वरक क्या होता है? देखिए जैसे हमारे भोजन है, भोजन के लिए जैसे हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट विटामिन वसा ये सब चीजें होती है, वैसे पौधों के लिए पोषक तत्व और उर्वरक बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अपन अगर कोई चीज की कमी हो जाए, वसा की कमी हो जाए, प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाए, तो हमारे शरीर में कई सारे रोग दिखने शुरू हो जाते हैं। उन रोग तत्वों से, उन घटकों से संबंधित, कमी से संबंधित रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही पौधों के अंदर इन पोषक तत्वों की कमी से कई सारे रोग हो सकते हैं, लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अब कई सारे पोषक तत्व है, जैसे 30 के लगभग, वैसे तो 80 के लगभग पोषक तत्व बताए गए हैं जो, लेकिन 30 और 30 में से भी मेन है 17 जो पोषक तत्वों की अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे, वो पोषक तत्व पौधे के लिए किसी ना किसी रूप में बहुत ही आवश्यक होते हैं। उन पोषक तत्वों की कमी पौधे कमी के लक्षण पौधे के अंदर साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। अब उन पोषक तत्वों का कार्य क्या है, कमी से उनके पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हानियां क्या है, लाभ क्या है, अधिकता कमी क्या, किससे क्या हानि लाभ है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है तो शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय पोषक तत्व एवं उर्वरक। देखिए अब पोषक तत्व क्या होते हैं, पहली बात तो पोषक तत्व वे हैं अर्थात पौधे के लिए आवश्यक वे घटक जिनसे पौधे का वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है। ठीक है, पौधे के लिए आवश्यक वे घटक जो जिन पर क्या करता है पौधे का वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है, उनको अपन पोषक तत्व कहते हैं। तो देखिए पौधे के लिए निश्चित अनुपात एवं निश्चित मात्रा में आवश्यक वे सभी घटक जिन पर पौधे का वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है, पोषक तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कई सारी चीजें हैं।
जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो वे तत्व या वे घटक जो क्या करते हैं, वे घटक वे पदार्थ जो क्या या वे तत्व जो क्या हो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जिन पर पौधे की वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। और ऐसे कुछ देखिए आगे, ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं, जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, जो पौधे को अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता और वो उस पौधे को मिट्टी से प्राप्त होते हैं, उन्हें अपन खनिज पोषक तत्व कहते हैं। देखिए वे अकार्बनिक पोषक तत्व, वे अकार्बनिक पदार्थ जो पौधों को मृदा से प्राप्त होते हैं, उन्हें खनिज, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, खनिज पोषक तत्व कहते हैं, उन्हें खनिज पोषक तत्व अपन कहते हैं। ठीक है, अब पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, स्थानांतरण और आत्मसातकरण, आत्मसातकरण अर्थात पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अंतर्करण, पहली बात तो ठीक है, या अवशोषण। दूसरा, ग्रहण करने के बाद पौधे के अन्य भागों तक उसका स्थानांतरण और वहां पहुंचाने के बाद, अन्य भागों तक पहुंचाने के बाद उसको पाचन, उसका क्या करना, पाचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण, सॉरी खनिज पोषण कहलाती है, खनिज पोषण कहलाती है। ठीक है, देखिए अगला है, अगली लाइन हमारे इसके लिए, पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, स्थानांतरण तथा पौधों द्वारा खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण, स्थानांतरण तथा आत्म सातकरण, या जिसे अपन कहते हैं पाचन की प्रक्रिया खनिज पोषण कहलाती है, खनिज पोषण कहलाती है, खनिज पोषण कहलाती है। ठीक है, अब खनिज पोषण किसे कहते हैं, पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अपने अंदर ग्रहण करना, अवशोषण, उनका स्थानांतरण, फिर उनका पाचन करने की जो पूरी प्रक्रिया है, ग्रहण करने से पाचन तक की जो प्रक्रिया, वो खनिज का पोषण, खनिज पोषण कहलाती है, खनिज पोषण कहलाती है। अब मृदा द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में पोषक तत्व आपूर्ति करने की जो पैतृक क्षमता होती है, मृदा को ज्यादातर जो पोषक तत्व होते हैं वो, सॉरी, पौधे को जो ज्यादातर पोषक तत्व होते हैं वो कहां से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं। तो मृदा के अंदर ही वो क्षमता होती है कि वो पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध करवा सके। तो मृदा द्वारा पौधों को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, पोषक तत्व जो होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा एवं निश्चित अनुपात, पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में पोषक तत्वों को किसको उपलब्ध करवाना, पौधे को उपलब्ध करवाने की जो पैतृक क्षमता। जैसे हमें किसी चीज की जरूरत है तो हमें कौन करवाते हैं, हमारे पेरेंट्स, पैतृक, हमारे पेरेंट्स
हमें वो चीज उपलब्ध कराते हैं। तो पौधे को जिस चीज की जरूरत है वो उनको कौन उपलब्ध कराता है, ठीक है, वो करवाते हैं मृदा। इसलिए वो एक पैतृक के समान होती है, पौधे के लिए मृदा एक पैतृक के समान, पेरेंट्स के समान होती है। तो ये इनकी पैतृक क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है। अर्थात मृदा द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की पैतृक क्षमता मृदा उर्वरता कहलाती है। देखिए मृदा द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में मृदा द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की पैतृक क्षमता, पैतृक क्षमता को मृदा उर्वरता कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है, ठीक है, मृदा उर्वरता कहलाती है। आगे देखिए इसके बाद एक दो वैज्ञानिक है आयरन एवं स्काउट, ठीक है, इनके अनुसार पोषक तत्वों को पौधे के लिए आवश्यक माना जाता है। अब इनके अनुसार उन पोषक तत्वों को लिए पौधे के लिए आवश्यक माना जाएगा जिनमें कुछ गुण होंगे, कुछ में कुछ निश्चित गुण होंगे, जिन पोषक तत्वों में कुछ गुण होंगे। अब ऐसे तत्व तो पोषक, अगर अपन तत्वों की बात करें तो 118 है, 118 अभी तक ज्ञात पोषक तत्व, सॉरी तत्व है, ठीक है, लेकिन वो पौधे 18 में से पौधे के लिए 80 आवश्यक है, उनमें से भी मेन तो 17 है, ठीक है। तो पोषक तत्वों के अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए जो क्या करें पौधे के लिए आवश्यक हो, जिससे वो पौधे के लिए आवश्यक तत्व के रूप में बदल जाए, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के गुण क्या क्या है, गुण क्या है। तो देखिए उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, देखिए आयरन व स्काउट के अनुसार इंपॉर्टेंट है कौन, आयरन व स्काउट के अनुसार, अनुसार क्या करता है के अनुसार उन पोषक तत्वों को पौधे के लिए आवश्यक माना जाता है जिन जो निम्न मापदंड पूर्ण करते हो, उन पोषक तत्वों को पौधे के लिए आवश्यक माना जाता है जो निम्न मापदंड पूर्ण करते हो, अर्थात निम्न गुण हो, कौन कौन से थे। पहला गुण किसी तत्व की कमी के कारण क्या हो, किसी को अपन आवश्यक पोषक तत्व मान रहे हैं तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि अथवा प्रजनन क्रिया में करने में पूर्ण नहीं कर सकते, ठीक है। अर्थात अगर अपन किसी पौधे के लिए कोई पोषक तत्व आवश्यक मान रहे हैं तो उसमें ये गुण होना चाहिए कि अगर उस पोषक तत्व की पौधे में कमी हो जाए तो उसकी या तो वानस्पतिक वृद्धि रुक जाए या फिर वह प्रजनन करने में
प्रजनन क्रिया ना कर पाए, ठीक है, सिर्फ उस पोषक तत्व की कमी के कारण, तब तो उसे क्या कहा जाएगा, आवश्यक माना जाएगा, ठीक है। पौधे की कमी, पौधे पर कमी के लक्षण विशिष्ट के लिए विशिष्ट हो, पोषक तत्व ऐसा आवश्यक माना जाएगा उसको जिसके कमी के लक्षण सिर्फ पौधे में जो लक्षण दिखाई देंगे उसके कमी के, वो किसी अन्य तत्व के कमी से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। फिर तत्व पौधे या पोषण या उपापचय क्रिया को प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित होता है, वो पौधे की जो उपापचय क्रिया हो उसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो सामने से, अगर उसके बिन वो अगर पौधे में ना हो तो पौधे की उपापचय क्रिया बाधित हो जाती है। देखिए अगला, तो पढ़ते हैं, किसी तत्व की कमी के कारण पौधा अपने जीवन चक्र की, किसी तत्व की कमी के कारण पौधा अपने जीवन चक्र की, पौधा अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि की अथवा प्रजनन क्रिया पूर्ण नहीं कर पाए, प्रजनन क्रिया पूर्ण नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, पौधे पर कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं, ठीक है, पौधे पर कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अगला तीसरा है, तत्व पौधे के पोषण या उपापचय क्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित होता हो, ठीक है, वह तत्व पौधे के पोषण या उपापचय क्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर या रूप में क्या होता हो, सम्मिलित होता हो, प्रत्यक्ष तौर पर क्या होता हो, पौधे में सम्मिलित होता हो, ये जरूरी, ठीक है। तो तीन गुण होने चाहिए तब वो पोषक तत्व तो क्या होगा, पौधे के लिए आवश्यक होगा, कौन कौन से, पहला तो किसी तत्व की कमी के कारण पौधा अपने जीवन चक्र में वानस्पतिक वृद्धि अथवा प्रजनन क्रिया पूर्ण ना कर सके, अगर किसी पोषक तत्व की कमी के कारण पौधा अपनी वानस्पति वृद्धि या प्रजनन क्रिया नहीं कर पाता है तो वो पोषक तत्व क्या होगा, पौधे के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। दूसरी चीज, उस पोषक तत्व की कमी के जो लक्षण होंगे वो अन्य किसी तत्व की कमी के लक्षण पौधों में समान नहीं होंगे, अर्थात अगर अपन किसी को आवश्यक मान रहे हैं पोषक तत्व तो उसके कमी पौधे में उसके तत्व की कमी होने पर उसमें विशिष्ट लक्षण दिखाई देने चाहिए, पौधे में विशिष्ट लक्षण दिखाई देने चाहिए, और वो वैसे विशिष्ट लक्षण किसी और तत्व की कमी के कारण पौधे में उत्पन्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा गुण क्या है कि वह पौधे के पोषण या उपापचय क्रिया में एकदम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भाग लेता हो, ठीक है, डायरेक्टली भाग लेता हो, ठीक है। फिर आगे अपन पढ़ते हैं, पोषक तत्व और उनका अवशोषित रूप, अर्थात जो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, जो 14 कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ठीक है, और उनका अवशोषित रूप, वो पौधे द्वारा वो किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें आप,
बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब बताऊंगा, क्योंकि जो आगे रिएक्शन अगर अपन कभी काम में लेंगे इसमें, ठीक है, अगर रिएक्शन का काम पर गया हमें तो हमें उसी, ये अब सवाल छोटा सा इसमें से पूछा जा सकता है कि पौधे फलाने पोषक तत्वों को या जैसे पोटेशियम को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो पोटेशियम के को के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो के प्लस के रूप में, के टू प्लस के रूप में, के डबल प्लस, के ट्रिपल प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व एवं उनका अवशोषित रूप, अगला है हमारा पोषक तत्व एवं उनका अवशोषित रूप, ठीक है। देखिए खनिज पोषक तत्व और उनका अवशोषित रूप में, देखिए खनिज तत्व, अब तत्व का नाम इधर अपन लिखेंगे, ठीक है, फिर उनका आयनिक रूप, आयनिक रूप में वो किस प्रकार से ग्रहण किए जाते हैं, और गैर आयनिक रूप और गैर आयनिक रूप, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखें पहला कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों हमें कार्बन का प्रतीक होता है सी, वो सी के रूप में ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा नहीं सी माइनस सी प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन है वो एच के रूप में ग्रहण किया जाता है, एच प्लस एच टू या इसके रूप में, और जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन ओ के रूप में ग्रहण की जाती है, ठीक है। तो इनका कोई आयनिक या गैर आयनिक रूप नहीं है, और ये हमें वातावरण से डायरेक्टली प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो देखिए पहला कार्बन, पहला है कार्बन, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। देख अर्थात कार्बन सी हाइड्रोजन एच और ऑक्सीजन ओ, ठीक है, ये इनके प्रतीक है, और इनको ओ एच सी के रूप में ही ग्रहण किया जाता है, कोई इनका आयनिक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, ना ही कोई इनका गैर आयनिक रूप में ग्रहण किया जाता। अगला है नाइट्रोजन, चौथा है हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N के रूप में ग्रहण किया जाता है, किसके रूप में, N के रूप, सॉरी N के रूप में इसको दर्शाया जाता है, नाइट्रोजन का प्रतीक कौन सा है N, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से, अब नाइट्रोजन 78% है हमारे कहां पर वायुमंडल में, ठीक है, लेकिन उस वायुमंडल और नाइट्रोजन बहुत उपयोगी भी है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा उपयोगी या आवश्यक तत्व कह सकते हैं पौधे के लिए, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन इतनी ज्यादा 78% हमारे वायुमंडल में होने के बाद भी वो पौधे को प्राप्त नहीं होती, वो पौधे के लिए अनुपयोगी है, कोई काम के लिए, क्योंकि पौधे के अंदर ये क्षमता ही नहीं होती है कि वो डायरेक्ट वायुमंडल से क्या कर ले, एन को एन के रूप में ही ग्रहण कर ले, नहीं तो वह तो भाई पौधे को अगर ग्रहण ही नहीं कर सकता तो वो पौधा किस रूप में ग्रहण करता है, तो पौधा नाइट्रोजन से बने हुए यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, जैसे जैसे देखिए NH4 प्लस आयनिक रूप, ठीक है, यह है अमोनियम, यह है अमोनियम, ठीक है, अमोनियम के रूप में पौधा नाइट्रोजन आयन को ग्रहण करता है, ठीक है। अगला है नाइट्रेट NO3-, ठीक है, इस नाइट्रेट के रूप में पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, फिर गैर आयनिक रूप में CO NH
टू फोर फाइव, ठीक है। इस रूप में ये क्या है, ये एम आई है, ये क्या है एम आई है। गैर आयनिक रूप में ये इस तरीके से ग्रहण करता है, इस पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, और आयनिक रूप में एनएच फोर के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। फिर फास्फोरस अगला है, फास्फोरस पी पांचवा है हमारा, फास्फोरस पी। फास्फोरस पी क्या है, ठीक है, ये पौधे को कैसे प्राप्त होती है, किन रूप में प्राप्त होती है, ये पौधे को H3PO4, ठीक है, H3PO4, H2PO4 माइनस एच पी ओ फोर माइनस टू, एच पी ओ फोर माइनस टू और एच पी ओ फोर माइनस थ्री के रूप में, एच पी ओ फोर माइनस थ्री के रूप में ये पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है, ठीक है। फिर अगला है हमारा छठा, वो है पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होता है के, और ये आयनिक रूप से पौधे को के प्लस के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात के प्लस के रूप में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये पोटेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और क्या बनता है, के प्लस बनता है, और पौधे को ये के प्लस के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। कैल्शियम सातवां है, कैल्शियम, कैल्शियम पौधे को सी ए टू प्लस के रूप में प्राप्त होता है, या प्लस टू के रूप में, या प्लस प्लस के रूप में प्राप्त होता है। मैग्नीशियम आठवां है, मैग्नीशियम, आठवां है मैग्नीशियम एमजी, ये भी पौधे को एमजी टू प्लस के रूप में या प्लस टू के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। डायरेक्ट को, डायरेक्ट मैग्नीशियम को ये ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले, बाकी आठ पोषक तत्व अपन आगे करते हैं। नौवां पोषक तत्व है हमारा कितने हुए थे, शायद सात ही हुए थे। आठवां है हमारा गंधक, आठवां है हमारा गंधक सल्फर। गंधक को अपन नॉर्मल भाषा में रासायनिक भाषा में सल्फर कहा जाता है, एस सल्फर को अपन एसओ फोर माइनस टू सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, एसओ फोर माइनस टू, अर्थात सल्फेट के रूप में, आयनिक रूप में तो उसको सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि गैर आयनिक रूप में अपन इसको एसओ टू के रूप में, एसओ टू के रूप में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में किसके द्वारा, पौधे की पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, पौधे की पत्तियां इसको ग्रहण करती है, पौधे की पत्तियां क्या करती है, इसको ग्रहण करती है सल्फर को एसओ टू रूप में, गैर आयनिक रूप में, और आयनिक रूप में ये एसओ फोर माइनस टू सल्फेट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। फिर है लोहा या फेरस एफी, नोर लोहा या एफी फेरस, ठीक है। फिर इसको पौधा किस रूप में ग्रहण करता है, इसको पौधा एफी टू प्लस के रूप में, अर्थात फेरस और या एफी थ्री प्लस के रूप में, जिसे फेरिक कहते हैं, ठीक है, एफी
टू सॉरी एफ ई टू प्लस के रूप में ग्रहण करता है। इस एफ ई टू प्लस को अपन नॉर्मल भाषा में फेरस कहते हैं, जबकि एफ ई थ्री प्लस को अपन नॉर्मल भाषा में फेरिक कहते हैं। इस रूप में ये ग्रहण किया जाता है। इसका गैर आयनिक रूप में कैसे ग्रहण किया जाता है, ईडीटीए इथाइल डाइन ADTA एक पदार्थ होता है, उसमें यह पाया जाता है FeSO4 के रूप में। Fe किसमें पाया जाता है, FeSO4 के रूप में। तो ये ADTA में ADTA के साथ FeSO4 इस रूप में गैर आयनिक रूप में यह प्राप्त होता है। दसवां, अगला दसवां है हमारा मैग्नीज, दसवां है हमारा मैग्नीज, जिसका Mn के रूप में यह ग्रहण किया जाता है। तो इसका प्रतीक है Mn, और Mn किस रूप में ग्रहण किया जाता है, आयनिक रूप में। तो यह Mn Mn 2 प्लस के रूप में ग्रहण किया जाता है, 2 प्लस के रूप में ग्रहण किया जाता है, और गैर आयनिक के रूप में यह EDTA के साथ MnSO4 के रूप में ग्रहण किया जाता है। EDTA के साथ MnSO4 के रूप में यह ग्रहण किया जाता है, MnSO4 के रूप में यह ग्रहण किया जाता है। ग्यारहवा है हमारा तांबा, कॉपर। तांबा हिंदी वर्ड है, CU से दर्शाते हैं, कॉपर कहते हैं, ठीक है, क्यूप्र, ठीक है। इसको भी CU 2 प्लस के रूप में आयनिक रूप में ग्रहण किया जाता है, और ADTA के साथ इसको CuSO4 के रूप में ग्रहण किया जाता है। ADTA के साथ इसको FeSO4 के रूप में ग्रहण किया जाता है। आया है हमारा बारहवा, बारहवा क्या है, जस्ता या जिंक, जस्ता या जिंक। इसको भी अपन ZN प्लस ZN 2 प्लस के रूप में भी रूप में ही ग्रहण करते हैं, और ये भी ADTA के साथ किस रूप, TA के साथ यौगिक के इसका ZnSO4 के रूप में ग्रहण किया जाता है गैर आयनिक रूप से। तेरहवा है हमारा, तेरहवा है बोरॉन बी, ठीक है, बोरॉन बी यह किस रूप में, आयनिक रूप में, तो H2BO3 और H2BO3 माइनस के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह किस रूप में, H2BO3 माइनस के रूप में ग्रहण किया जाता है, माइनस के रूप में यह ग्रहण किया जाता है। चौथा है मॉलिब्डेनम, चौथे तत्व का नाम है मॉलिब्डेनम, ठीक है। MO इसका इसका प्रतीक क्या है, MO, ठीक है, MO, ठीक है। ये किस रूप में, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MOO4-2 के रूप में यह ग्रहण किया जाता है, -2 के रूप में यह पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पंद्रवा है हमारा क्लोरीन, पंद्रवा कौन सा है, क्लोरीन, क्लोरीन को प्रतीक है Cl, और पौधे इसको Cl- के रूप में ग्रहण करते हैं, Cl- के रूप में ग्रहण करते हैं। सोलवा है निकल, सोलवा कौन सा है, निकल, Ni, सोलवा है हमारा निकल Ni, ठीक है। ये इसको पौधे Ni निकल 2 प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं, इसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, निकल 2 प्लस के रूप में, Ni2 प्लस के रूप में इसको पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये पोषक तत्व
स्क्रीन शॉट लें इसका पहले। तो ये 16 लगभग अपन ने पोषक तत्व पढ़े हैं जो पौधे के लिए आवश्यक है और पौधे उनको किस रूप में ग्रहण करते हैं। छोटा सवाल पूछ लिया जाए कि भाई बोरोन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो H3PO3 H2PO3- इस रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे अगर पूछ ले कि जिंक को अर्थात जस्ते को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, Z2+ के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, कौन से पदार्थ के साथ लोहा आयरन, ठीक है, लोहा ग्रहण किया जाता है, हमें किस पदार्थ में EGTL में मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसी तरह क्या होता है पौधे के बारे में अपन ने पढ़ा जिसमें खनिज तत्व आज अपन ने पढ़े। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज मैंने जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अच्छे से अगली क्लास में।